यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लव जिहाद को लेकर एक तरफ यूपी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार में भी लव जिहाद के खिलाफ अब सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही लव जिहाद के मामले को लेकर शुरू हो गई है वहां सियासत भी। शादी विवाह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। उस अधिकारी को बिल्कुल अधिकार नहीं है, उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही परसों ही कह दिया था कि आप उसका परीक्षण करें, उन्होंने कैसे ढंग का आदेश निकाला है। लव जिहाद जैसे मसलों को लेकर लगातार राजनीति भी होती रहती है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं। ऐसे में जब एक तरफ मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मामले की जांच का आदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई हैं और कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेरने में लग गई है। धर्म के नाम पर अफीम चटाओ तो लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे कि उत्तराखंड सबसे टॉप में है इस समय बेरोजगारी में। धर्म के नाम पर अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि महिलाओं के जो बच्चे हैं वो सड़कों में पैदा हो जा रहे हैं, अस्पताल के गेट में पैदा हो जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। धर्म की अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर 72 सालों में पहली बार किसानों ने आत्महत्या करी है। तो ये तो अफीम ऐसी है धर्म की, उसको चटाओ और राज करो। कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसे उसमें सुधार करेगी। केवल अंतर जातीय विवाह के लिए इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान रहेगा। फिलहाल लव जिहाद जैसे मुद्दे कभी भी समाज में एकता के सहायक नहीं हो सकते, और ऐसे मुद्दे जो विवाद पैदा करते हैं उस पर सोच समझ कर बोलना या फिर आदेश जारी करना चाहिए। लेकिन समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने अपनी नीति और नियत लव जिहाद जैसे मुद्दों पर साफ कर दी कि लव जिहाद जैसे मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर सीएम ने सख्ती भी दिखाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।